हाय फ्रेंड, वेलकम ऑल ऑफ़ यू टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज बात करेंगे स्पाइस मनी एक्सिस बैंक करंट अकाउंट के बारे में और इसके चार्ज एंड फीस आपको बताएंगे और इस अकाउंट को ओपन करने के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगेंगे और इसका एवरेज बैलेंस मेंटेन करके कितना रखना होगा और इस अकाउंट को ओपन कराने से क्या फ़ायदे हैं और क्या नुकसान। तो चलिए स्टेप बाई स्टेप समझते हैं। तो ये है एक्सिस बैंक का TDS फ्री जीरो बैलेंस करंट अकाउंट जो कि स्पाइस मनी के द्वारा खोले गए हैं। और याद रखिए, ये अकाउंट वही लोग खोल सकते हैं जो स्पाइस मनी का अधिकारी हैं। तो चलिए इस बॉक्स को ओपन करके देखते हैं इस वेलकम किट में हमें क्या क्या दिया जाता है। तो फ्रेंड, ये रहा कुछ ज़रूरी कागजात जो एक्सिस बैंक से रिलेटेड दिए गए हैं और इसमें आपका फ्रंट पेज पर सारा डिटेल दिया गया है। इस अकाउंट को ओपन करने के लिए आपको अपना ओरिजिनल आधार कार्ड और पैन कार्ड लेकर स्पाइस मनी अधिकारी के पास जाना होगा और उनसे बोलना होगा मेरा एक्सिस बैंक में TDS फ्री जीरो बैलेंस करंट अकाउंट ओपन कीजिए, तो वो लोग आपका अकाउंट ओपन कर देंगे। अब बात कर लेते हैं इस अकाउंट के क्या चार्ज हैं। तो इस अकाउंट में आपको पहले 500 रुपये डालना होगा जो कि स्पाइस मनी का अधिकारी डाल देंगे और आपसे 500 रुपये ले लेंगे। और जब आपके अकाउंट में डेबिट कार्ड डिस्पैच होगा तो आपके अकाउंट से 295 रुपये कट जाएंगे जो कि डेबिट कार्ड का चार्ज होंगे। और इस डेबिट कार्ड का सालाना चार्ज है 295 रुपये जो कि आपको सालाना कटेगा। अगर आप डेबिट कार्ड को बंद करा देते हैं तो आपका चार्ज नहीं लगेगा। इस अकाउंट में आपको 100 लीव का चेकबुक अप्लाई करने को दिया जाता है जो कि फ्री होता है फर्स्ट टाइम। अगर आप दोबारा अप्लाई करते हैं तो उसका चार्ज लगता है और इसमें आपका SMS चार्ज नहीं लगेगा। इस अकाउंट का यूज आप अपने बिजनेस के लिए कर सकते हैं जो कि बहुत ही अच्छा है। इसमें सभी UPI, RTGS, NEFT, IMPS का सपोर्ट मिल जाता है जो कि बहुत ही अच्छा है। अगर आप इसमें कोई सा भी एवरेज बैलेंस मेंटेन करके नहीं रखते हैं तो इसमें आपका कोई भी चार्ज नहीं लगेगा जो कि ये बहुत ही अच्छा है। और एक बात यह है कि इस अकाउंट का आप यूज स्पाइस मनी में ही कर सकते हैं जो कि बहुत ही अच्छा है। अगर आप अदर काम के लिए करेंगे तो हो सकता है इस अकाउंट को फ्रीज कर दिया जाएगा। तो ये है एक्सिस बैंक का बिजनेस डेबिट कार्ड जो कि एक वीज़ा डेबिट कार्ड है जिसका यूज आप इंडिया या इंडिया से बाहर भी कर सकते हैं जो कि बहुत ही अच्छा है। और एक बात याद रखिए, इस कार्ड का यूज आप केवल एक्सिस बैंक का ATM में ही कर सकते हैं। अगर आप इस कार्ड का यूज अदर ATM में कीजिएगा तो आपका 20 रुपये चार्ज लगेगा। और ये देखिए, इस कार्ड पर एक नोटिस दिया गया है जो कि आपके कार्ड से संबंधित नोटिस दिया गया है। आपको अपना इस कार्ड का किसी के साथ CVV, OTP या फिर कार्ड नंबर एक्सपायरी डेट शेयर नहीं करना है वरना आपके साथ फ्रॉड हो सकता है। और ये कुछ इस कार्ड का रहा डिटेल और इसको रिमूव करने पर ये कुछ आ रहा है, मेरा नेम भी आ रहा है, यहाँ एक्सपायरी डेट आ रहा है, यहाँ पर कार्ड है, नंबर है। और सॉरी, मैं अपना नंबर नहीं दिखाना चाहता। तो ये कुछ ऐसा ही दिया जाता है जो कि मेरे ख्याल से बहुत ही अच्छा है, बहुत ही अच्छा कार्ड है। तो चलिए, ये रहा हमारा डेबिट कार्ड और ये आपके एड्रेस पर 7 से 10 दिनों के अंदर आ जाते हैं जो कि ब्लू डार्क ऑफिस से आता है। और इस कार्ड का आते ही आप मोबाइल बैंकिंग में लॉगिन करके अपना सिग्नेचर अपलोड कीजिएगा तभी आप चेकबुक के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और ये देखिए, ये है हमारा चेकबुक जो कि बहुत ही अच्छा है। हमने केवल इसमें 25 लेब का चेकबुक ही मंगाया है, आप 100 पेज का मंगा सकते हैं। और ये कुछ डिटेल्स दिए गए हैं जो कि इसके बैक साइड है। और चलिए इसको ज़रा अनबॉक्सिंग करते हैं। तो ये रहा, और ये जो फ्रंट पेज है इस पर हमारा सारा डिटेल दिया गया है, अकाउंट से रिलेटेड, एड्रेस से रिलेटेड। और ये जो फर्स्ट पेज है बिल्कुल चेकबुक की तरह है मगर ये चेकबुक नहीं है। और इसमें आपका कस्टमर ID और अकाउंट नंबर, IFSC कोड, सब कुछ डिटेल दिया जाता है। कौन सा टाइप का अकाउंट है वो भी इस पर दिया जाता है। और इसमें आपका ब्रांच का नेम भी दिया जाता है। और इसके बाद ये रहा दूसरा पेज
जिसमें हम अपना चेकबुक का नंबर और अमाउंट लिखेंगे, किस किस को चेकबुक दिया उसका नेम भी लिखेंगे। अगर इस अकाउंट को आप ब्रांच में जाकर खुलवाते हैं तो आपको बहुत ही सारा प्रोसेस फॉलो करना पड़ता है, जैसे बैलेंस मेंटेन करना, एसएमएस चार्ज डिडक्टेड होना और भी कई सारे हिडन चार्जेस हैं वो आपको देना पड़ेगा। और ये तो आप जानते ही हैं कि एक्सिस बैंक सभी बैंकों से चार्ज लेने में सबसे आगे है, और हो भी क्यों ना, क्योंकि ये इसका सर्विस बहुत ही फास्ट काम करता है, इसका मोबाइल बैंकिंग बहुत ही अच्छा काम करता है। तो आप भी ऐसे अकाउंट की तलाश में हैं तो आप स्पाइस मनी के द्वारा अकाउंट ओपन कीजिए। स्पाइस मनी के द्वारा अकाउंट ओपन करने पर आपको कोई भी चार्ज नहीं देना पड़ेगा, आपको सर्विस बहुत ही अच्छा मिलेगा। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, थैंक यू फॉर वॉचिंग।